हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे साई के महत्वपूर्ण जानकारी। तो साई क्या है, सबसे पहले जानते हैं साई का फुल फॉर्म। स्पोर्ट्स स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ है, बट इसे कई जगह नहीं दिया रहता है, इसके जगह में आपको 16 मार्च दिया रहता है। तो इसका नाम जो है 2018 में साई से चेंज होकर के SI खाली हो गया है, स्पोर्ट्स इंडिया। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। स्थापना समझ में आ गया होगा कि 25 जनवरी को सही है, परंतु अगर ये नहीं दिया है, अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है और ये नहीं दिया रहता है, इसके जगह में 16 मार्च दिया रहता है, तो 16 मार्च को आपको आंसर में टिक करना रहेगा। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और NSNIS में मार्च जो है मर्ज होगा, मर्ज किया गया 1987 में, ठीक है, जैसे पहले पार्ट में हमने देखा है, ठीक है। तो NSNIS जो है इसमें दोनों क्या हो गया था, मर्ज हो गया था, दोनों को मिला दिया गया था। इसके महानिदेशक नीलम कपूर, और ये 1 मई को हुआ था, 1 मई 1987 में, ठीक है। एजेंसी SI को चलाने वाले, तो एजेंसी SI को चलाने वाले हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीन एजेंसियां हैं। 1982 में एशियन गेम्स के सुझाव से SI बना, मतलब स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया बना। बैठक की अध्यक्षता मानव संसाधन अधिकारी के द्वारा हुआ। शैक्षणिक संस्था पटियाला, NSNIS, त्रिवेंद्रपुरम, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के रीजनल सेंटर 10 हैं, जो कि इस प्रकार है: सोनीपत, लखनऊ, गुवाहाटी, इम्फाल, कोलकाता, भोपाल, बेंगलोर, मुंबई, गांधीनगर और चंडीगढ़। तो ये 10 आपके रीजनल सेंटर कहलाते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो इसके 14 एक्सीलेंस सेंटर थे, इम्फाल मणिपुर, ठीक है, सोनीपत हरियाणा, LMP केरला, COE हिसोन हरियाणा, त्रिवेंद्रपुरम, पटियाला पंजाब, बेंगलुरु कर्नाटका, कोलकाता, जगतपुर ओडिशा, शिलांग मेघालय, कांदिवली मुंबई महाराष्ट्र, कांदिवली ये महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश। स्पेशल गेम एरिया ऑफ गेम ये 20 हैं। EMF सेंटर सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश, SAG सेक LFP केरला, SAG टेलीचेरी केरला, सेक मलाईदुथराई तमिलनाडु, कारगिल जम्मू कश्मीर, इम्फाल मणिपुर, एटलो मणिपुर, आइजोल मिजोरम, जगतपुर कोलकाता, सुंदरगढ़ उड़ीसा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान, रांची झारखंड, किशनगंज बिहार, गितौर बिहार, बोलपुर वेस्ट बंगाल, अगरतला त्रिपुरा, नामची सिक्किम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, कोकराझार असम, तिनसुखिया असम और धार मध्य प्रदेश। ये किस्मों हैं जो अभी नया बना होगा। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर 56 हैं। स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया NIS के उद्देश्य ऑब्जेक्ट नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर को ट्रेनिंग देना, उनके स्किल टेक्निक को डेवलप करना, विकास करना, खेल प्रतिभा को खोज करना और ट्रेन करना, खेलों पर रिसर्च भी करते हैं, खेलों पर योजना तैयार करना। तो ये सभी उसके उद्देश्य हैं। तो ठीक है, उद्देश्य वगैरह अगर आपके सिलेबस में है तो देख लीजिएगा, साई के उद्देश्य से रिलेटेड या साई से इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसके अगर पूछेंगे तो इसका जो है सबसे प्रथम साई में NSNIS में मर्ज किया गया, ठीक है, स्थापना, ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। अगर डीपली कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे कि आपके TGT से ऊपर के लेवल के आपके नेट वगैरह में पूछ देते हैं तो केवल इसके ये संस्थान पूछ सकते हैं, बाकी इसको मिलान करने वाले जो होते हैं उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसके जो शैक्षणिक संस्था कितने हैं या SI रीजनल सेंटर कितने हैं, या इसमें ऑप्शन दे दिए रहेंगे पूरे को पूरा, और मतलब दो दो तीन तीन करके, और इनमें से कोई नहीं करके क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो चलिए, महत्वपूर्ण पार्ट है ये भी एक, तो एक दो क्वेश्चन इससे लिया जा सकता है, बाकी तो ये सभी जानकारी के लिए है, बाकी उतना देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, ये सभी सीडिंग सुपर सीडिंग ये सभी चीज देख चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं, बाय निकालना मेरे पिछले वीडियो में अगर नए होंगे तो चैनल पर जरूर देखिए सारे, आपको वीडियो जो भी सर्च मारना है, आप फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी करके जो भी वीडियो को सर्च करना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में है,
सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं लर्निंग, सीखने के सिद्धांत, तो ये हम लोग पूरा देखेंगे। ये जो है कोचिंग से मेरा लिया गया नोट्स है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।